First of all, I would like to thank Mr. Sir and his college management, HOD ma'am, for inviting us here, for giving this very important lecture, I would say that. And I am going to give you the guarantee that whatever I am going to tell you here about all your career options available once you graduate in the B.Tech from your computer science branch. See, so many options you know कि मेरे को बीटेक कंप्यूटर साइंस की है, मेरे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सो मेरा आज का जो डिस्कशन है, इस इंटरेक्शन का जो ये वर्कशॉप का इस सेशन का जो मेन पर्पस है, दैट इज आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द करियर ऑप्शंस अवेलेबल विद यू. और सी हमें यहीं से स्टार्ट करते हैं कि जैसे आप लोग बीटेक पास आउट होंगे कंप्यूटर साइंस में, तो आपके पास मेन क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होती है. अगर मैं ब्रॉडर टर्म्स में बात करूं, पहला ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, जॉब का. इमीडिएट बीटेक के बाद हम इमीडिएटली जॉब कर सकते हैं. अब जॉब में भी क्या कैटेगरीज आ सकती है कि जिसमें आपका प्लेसमेंट एक ऑप्शन आता है, उसके बाद आपका पब्लिक सेक्टर का एक ऑप्शन आता है, या गवर्नमेंट जॉब का भी एक ऑप्शन. अगर हम बोले तो ये दूसरा ऑप्शन बात करें या डायरेक्ट की प्रोग्राम की बात करें, तो ये दूसरा ब्रॉडर टर्म में आती है जो डोमेन में बात करें. इधर आता है तीसरा इन द डोमेन ऑफ मैनेजमेंट, जैसे इंडिया से या फॉरेन से मैनेजमेंट डोमेन में जाना चाहते हैं, वो भी एक ऑप्शन है इससे. चौथा जो ऑप्शन इसमें आ जाता है कि जो हायर स्टडीज का डोमेन आ जाता है, वो अब्रॉड से ऑप्शन आ जाता है कि अब्रॉड से भी हम लोग हायर स्टडीज के ऑप्शन डोमेन में एंटर कर सकते हैं. लास्ट इज द एंटरप्रेन्योरशिप, अपना खुद का काम करना है, जॉब क्रिएट करना है, जॉब देखनी नहीं है, राइट. तो मेनली जो आपका जो बीटेक आप पास आउट करते हैं, तो ये पांच जो मेनली ब्रॉडर वे में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है. तो मैं आप लोगों के पास जो आज डिस्कशन करने वाला हूँ, ये सारी चीजों के लिए डिस्कशन करूंगा. इसमें कैसे प्रोसीड करना है, एक एक हर एक चीज के लिए कैसे प्रोसीड करना है, और इसको फिर आगे फर्दर करियर में कैसे कन्वर्ट करना है. देखो, जॉब लेना और करियर दोनों चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. जॉब एक चीज है कि ठीक है, जॉब को एक सैलरी, एक रूटीन मिलेगा कि मेरे को काम करना है सुबह से लेकर शाम तक, और रिटर्न में सैलरी मिलेगा. करियर एक बहुत ब्रॉडर टर्म है. करियर का मतलब ये होता है कि जो आपको सेटिस्फेक्शन दे, जिससे आपका टेम्परामेंट भी लाई कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है कि यस, मेरा टेम्परामेंट रिसर्च डोमेन का है, या मेरा टेम्परामेंट मैनेजमेंट डोमेन का है, या मेरा टेम्परामेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए बना है, या इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए बना है. तो वो टेम्परामेंट से रिलेटेड बात होती है. तो टेम्परामेंट मेरा किस डोमेन में लाई करता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, और उसकी डायरेक्शन में हमें प्रोसीड कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. अब आप लोगों को क्या करना है कि आपको इस मेरी इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत कॉशियसली सुनना है. अब प्रॉब्लम क्या होती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के साथ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं फेस करता हूं वो ये होती है कि सर आप जो मर्जी बोली चली जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें. क्यों? क्योंकि हमने डिसाइड किया हुआ है कि हमने अपना बीटेक के बाद, इमीडिएटली बीटेक के बाद मेरे पास जॉब का ऑप्शन रहेगा, कैंपस प्लेसमेंट का ऑप्शन रहेगा, दैट इज देयर, और वो आपसे कोई छीनने वाला नहीं है. प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट होती है, जब हमें 2-4-5 साल के बाद पता लगता है कि अच्छा, आप ये चीज का ऑप्शन भी था मेरे पास बीटेक के बाद, ये तो मेरे को किसी ने बताया ही नहीं, इसके बारे में तो मेरे को पता ही नहीं चला. तो वो चीज की अवेयरनेस के लिए, वो चीज के लिए मेरे को आपको ये चीजें बतानी है कि मेरे पास ऑप्शंस होता क्या क्या है, और मेरे को उसके लिए कैसे प्रोसीड करना है. मेरा जो मेन जो प्रेजेंटेशन है वो उसी चीज से ओरिएंटेड रहेगा. और एंड में मैं डिस्कस करूंगा, जैसे आप लोगों की कैंपस प्लेसमेंट होती है, तो कैंपस प्लेसमेंट में पर्सनैलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. इंटरव्यू, एक्चुअली में वो इंटरव्यू नहीं होते, वो नॉलेज नहीं चेक करते, ज्यादा आपका पर्सनैलिटी चेक करते हैं कि क्या आपका पर्सनैलिटी इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए. नॉलेज ठीक है, एक पार्ट है. अब किसी को नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें एक कोई पर्सनैलिटी के पार्ट पे वीकनेस है. फॉर एग्जांपल, कईयों को आदत होती है ब्लफ मारने की, कि ठीक है मैं तो बोल दूंगा, इसको पता लगे ना पता लगे, पर मैं तो कन्विंस कर दूंगा झूठ बोल के भी. तो ब्लफ करना एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव एक्सपेक्ट होता है, नेगेटिव पार्ट होता है हमारी पर्सनैलिटी के लिए. तो इंटरव्यू उसको कैसे हैंडल करना है, इंटरव्यू बेसिकली एक आर्ट होता है, उसको कैसे करना है कवर, और उसमें हमें अपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है. आई डोंट नो कि जहां यहाँ पे जो कंपनीज आती है वो ग्रुप डिस्कशन करवाती है कि नहीं करवाती. अगर वो ग्रुप डिस्कशन करवाती है, उसको कैसे हैंडल करना है, कंसिडरिंग कि मेरे को उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, स्टिल मेरे को जीडी के अंदर कैसे पार्टिसिपेट करना है अच्छे तरीके से, कैसे उसमें उसमें को अच्छा स्कोर करना है. तो ये मैं सारे एक्सपेक्ट करके कवर करके चलूंगा.
अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा, जैसा कि मेरे इस मिनटों में भी बताया कि वी आर फ्रॉम इंजीनियर्स करियर पॉइंट। इंजीनियर्स करियर पॉइंट वी स्टार्टेड इन 2011, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन करवाते हैं हायर स्टडीज के लिए, लाइक गेट है या स्टेट एग्जाम्स है, कोई भी एग्जाम आते हैं उसके लिए प्रिपरेशन करवा रही है। जैसे आजकल ISRO का एग्जाम निकला हुआ है, NIC साइंटिस्ट बी का एग्जाम निकला हुआ है। मैं वो बात करूंगा जो कंप्यूटर साइंस ओरिएंटेड है। दिमाग में ये मत लेके आना कि जो मैं चीज बोल रहा हूँ सर ये तो कंप्यूटर साइंस के लिए होती नहीं है, ऐसी मैं कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लेने वाला जो कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं है। NIC साइंटिस्ट बी का ऑप्शन होता है, NIC साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट डी, टेक्निकल ऑफिसर का ऑप्शन होता है। ISRO के अंदर यू कैन गो बीइंग द कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। BRC के अंदर भी आपके पास ऑप्शन होता है। ऑलमोस्ट बहुत रिसर्च आपको इनवाइट कर रही है दैट ओके योर पीडिया टीम कम हियर एंड डू अस योर इज हियर राइट ग्लोबल यू शुड गो फॉर दैट द प्रोसीजर IELTS का एग्जाम लिख लो, फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो, ऑफर लेटर आ जाएगा, फिर तुम वीजा के लिए अप्लाई करोगे। दिस इज नॉट द वे टू गो अब्रॉड। देयर इज अ टारगेट टॉप 50 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज टारगेट करो, ऑल ऑफ यू कैन गो देयर। लेकिन उसको कैसे जाना है, कैसे तरीके उसका जाने का, वो भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बताने वाला हूँ। देन वी स्टार्टेड दिस ग्लोबल डोमेन हद तक जो इतना सारा ऑप्शंस ओपन हो जाए। सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकलते हो तो एक ही ऑप्शन है, जॉब के लिए जा सकते हो। कैट का एग्जाम निकलते हो तो MBA के लिए जा सकते हो। आप अपने स्टेट का एग्जाम देते हो तो एक ही ऑप्शन निकल के आएगा। गेट इज एग्जाम जिसके थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। दैट इज द रीजन व्हाई मेरा ये जो प्रेजेंटेशन है वो लिंक्ड रहेगा हमेशा गेट एग्जाम के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली वो सारी ऑप्शंस इसी के थ्रू ही निकल के आएगा। राइट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू दैट व्हाई दिस गेट एग्जाम स्टार्टेड। गेट एग्जाम है क्या चीज है? सी, गेट एग्जाम इज एक्चुअली मीन फॉर द हायर स्टडीज। गेट एग्जाम का जो रिक्वायरमेंट है, ये जो गेट एग्जाम स्टार्ट हुआ था, ये एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था टू प्रमोट द हायर स्टडीज इन द कंट्री, इन द इंडिया स्पेशली। राइट, ऑल्दो की जो इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड रिक्वायरमेंट है उसकी, पूरी पूरे वर्ल्ड में है इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है जितने भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड के अंदर, नासा ले लो, कोई भी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको इंडियन इंजीनियर्स मिलेंगे। इट मींस कि उसके बिना पर्पस और नहीं होगा इंडियन इंजीनियर्स के बिना। राइट, रीजन उसके पीछे हर किसी को पता है कि क्या रीजन है उसके पीछे। नाउ व्हाई दिस गेट एग्जाम स्टार्टेड, द रीजन फॉर गेट एग्जाम स्टार्टिंग वाज दी की टू प्रमोट द हायर स्टडीज इन इंडिया। अब पॉइंट यहां पर यह होता है कि क्या रिक्वायरमेंट पड़ी है हायर स्टडीज को प्रमोट करने के लिए कंट्री के अंदर। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, टेक्नोलॉजी, टू टेक्नोलॉजी डेवलप द टेक्नोलॉजी इन दिस कंट्री ओनली। मेरे को कंट्री के अंदर ही टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, मेरे को बॉम्ब बाहर से नहीं लेने हैं, मेरे को इंपोर्ट नहीं करना है, मेरे को एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है। दैट इज द रीजन, बहुत सिंपल वे में मैं आपको चीज बता रहा हूं कि, और ये चीज तभी पॉसिबल है अगर आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड डोमेन है। कंप्यूटर साइंस एक स्पेशलाइज्ड डोमेन नहीं है, मैकेनिकल एक स्पेशलाइज्ड डोमेन नहीं है, कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल एक कंप्यूटर स्पेशलाइज्ड डोमेन नहीं है।
तो इंडस्ट्रीज की जो नीड है, इंडस्ट्रीज का जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि भाई उसको स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए। अब मैं एग्जांपल योर पीडिया की एग्जांपल ले रहा हूँ, इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है हमारे पास रफली इस टाइम पे पूरे इंडिया के तकरीबन 1.5 से 2 लाख के बच्चों का डाटा अवेलेबल है। क्या क्या अवेलेबल है? नाम अवेलेबल है, नेम्स हैं, उनकी ईमेल आईडीज हैं, कौन से कॉलेज से उनका बीटेक है या मास्टर्स है, कितना सीजीपीए है, क्या उनका कैटेगरी है, कहां से वो बिलोंग करते हैं, किस मॉड्यूल के लिए वो इंटरेस्टेड है। अब आप लोग ये चीजें समझेंगे क्योंकि डाटा के साथ आप लोग डील करते हैं, डाटा के साथ आप लोग डील करते हैं, उस डाटा को यूज कैसे करना है वहां पर बात आ रही है जब तुम फाइनल प्रोडक्ट की बात करते हो। अब हम लोग इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री है, हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि मेरे को उस डाटा का यूज कैसे करें, हम उसको बेस्ट यूटिलाइज कैसे करें। नाउ यू टेल मी, कौन मेरे को इस चीज का सोल्यूशन दे सकता है? मेरे को उसके लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए, उस तरह के स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए कि जो उस डाटा का पूरा एनालिसिस कर सके, डाटा एनालिस्ट मेरे को उसके लिए चाहिए। शायद वो एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के पास वो स्पेशलाइजेशन नहीं है कि जो उसको अच्छे से एनालिसिस कर सके, ऑल्दो एक्सेप्शंस विल बी देयर कि जिसने उस डोमेन में इंटरेस्ट है, उस डोमेन में काम किया हुआ है, वो उसका उससे रिलेटेड डाटा एनालिटिक्स कर सकता है। नाउ उस डाटा का यूज करके हमें एक आउटकम लेके आना है कि मैं प्रॉब्लम दे रहा हूं कि ये डाटा, इसको मेरे ये प्रोडक्ट्स है, मेरे को ये बताओ मैं अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाऊं, हम लोग अपना जो है उस सेल्स कैसे बढ़ाएं। बड़े सिंपल सी वे में मैं आपको बात कर रहा हूं कि इसको सेल्स कैसे बढ़ाए। अब आप सोच के बताओ कि वो काम कौन कर पाएगा? डाटा मेरे पास अवेलेबल है, उसका मेरे को अपनी प्रोडक्टिविटी में करना है, मेरे को स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए, और वो स्पेशलाइज्ड पर्सन मेरे को शायद बैचलर लेवल पे नहीं मिलेंगे, वो स्पेशलाइज्ड पर्सन मेरे को मास्टर्स लेवल पे मिलेंगे। दैट इज द नीड। ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। चिप इंडस्ट्री, चिप बन रही है, चिप का वर्ड समझते हैं आप लोग, सेमीकंडक्टर सभी आई थिंक वर्ड समझते हैं, क्योंकि आई थिंक आप लोगों ने शायद माइक्रो प्रोसेसर भी पढ़ते हैं ना, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं आप लोग। इस टाइम के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो ऑटो इंडस्ट्री के अंदर किसी भी जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऑटो की सेक्टर की कंपनी है, उसमें हर में बहुत ज्यादा वेटिंग पीरियड चल रहा है। वेटिंग पीरियड क्यों चल रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है? ये रीजन है कि सर चिप नहीं मिल रही है, मार्केट में चिप्स अवेलेबल नहीं है, शॉर्टेज है इस चीज का। और ये क्या ये कंट्री लेवल तक लिमिटेड है? नहीं, ये वर्ल्ड की प्रॉब्लम है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बहुत उस पेस पे नहीं काम कर रहे जिस पेस पे डिमांड हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब मेरे को ये बताइए वो चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसे एक नेक्स्ट लेवल पे आ पाएगी, कैसे वो इंक्रीज हो पाएगा उसका मैन्युफैक्चरिंग, और कैसे कोई भी एक कंट्री उसका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन सकता है, इंपोर्टर नहीं। तो जब कोई कंट्री एक्सपोर्टर बन जाएगा उस चीज के लिए, ऑब्वियसली उसका जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा और उसका जो है वो डेवलपिंग से डेवलपमेंट वाली स्टेज में चला जाएगा। ये चीज आप समझते हैं बड़े सिंपल से वर्ड में। तो इस चीज के लिए इंडिया एक इसको एक अपॉर्चुनिटी लेके चल रहा है कि ठीक है यार, हम प्रमोट करते हैं इस कंट्री के अंदर जितने भी हायर स्टडीज डोमेन्स हैं, आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईआईटीज हैं, जहां पर ये कोर्सेज अवेलेबल है उसको और ज्यादा प्रमोट करो, बच्चों को लेके आओ। फंडिंग हम लोग दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट देने को रेडी है, पैसा लगाने को रेडी है, लेकिन हमें इसका सोल्यूशन दो, हमें कैंडिडेट चाहिए जो उसके स्पेशलाइज्ड पर्सन हैं। सो दिस इज हाउ दे कम अप विद द सॉल्यूशन कि ठीक है इस इंडस्ट्री को हमें वो करना है, अब इसको भूम पे लेके आना और हमें इसका एक एक्सपोर्टर बनना है। समझ मेरी बात कि ये चीजें काम कैसे करती है, सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे किसी इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन होता है, और वो सॉल्यूशन जो है वो स्पेशलाइज्ड पर्सन ही करता है। दैट इज वेयर द नीड स्टार्टेड फॉर द हायर स्टडीज। ऐसा नहीं है कि उससे पहले गेट एग्जाम से पहले हायर स्टडीज नहीं होती थी, उसके पीछे उसका इंडिविजुअल का पर्पस होता था, उसका एज ए इंडिविजुअल पर्पस होता था कि मेरे को एमटेक करनी है, या मेरे को पीएचडी करनी है, मेरे को थीसिस लिखनी है, मेरे को उसके बाद जॉब लेनी है। लेकिन व्हेन दे स्टार्टेड दिस गेट, उसके पीछे रीजन था कि हमें प्रॉब्लम्स है इंडस्ट्रीज के पास, और उस इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन लोग हैं, स्पेशलाइज्ड पर्सन। आपको एआई का स्पेशलाइज्ड पर्सन कहां पे मिलेगा? इंडस्ट्री के अंदर मिलेगा या आपको आईआईटी के अंदर मिलेगा? कहां मिलेगा? इंडस्ट्री के अंदर नहीं यार, आईटी के अंदर मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो रिसर्च है वो कॉलेजेस के अंदर होती है, यूनिवर्सिटीज में होती है, वो आपको इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं होती है। इंडस्ट्रीज ने तो उसका एक प्रोडक्ट की फॉर्म में उसको बाहर मार्केट में लेके आना है। तो रिसर्च जो एक्चुअल में होती है, जो आपको स्पेशलाइज्ड पर्सन हैं, वो मिलेंगे आपको आपको कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर मिलेंगे। अब मेरी एक इंडस्ट्री है, मेरे पास डाटा है, मैं कहां पे जाऊंगा? मैं एक इंफोसिस के पास थोड़ा जाऊंगा, मैं टीसीएस के पास थोड़ा ना जाऊंगा, मैं आईटी के प्रोफेसर के पास जाऊंगा कि सर ये लो मेरे पास 50 लाख का बजट है, ये मेरा डाटा है, मेरे को ये इसका सोल्यूशन चाहिए, कुछ मेरे को इसका प्रोडक्टिव दो, आपके पास 1 साल का टाइम है। अब क्या वो प्रोफेसर खुद से वो काम कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं।
अब कौन उसके लिए काम करके देंगे, उसके पास जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स आते हैं या जो उसके पास पीएचडी के स्टूडेंट्स आते हैं वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं, तब जाके एक आउटकम होते हैं, तब बोलते हैं कि हम ये रिसर्च हुई है, किसी चीज को प्रोडक्टिव फॉर्म में आना है। रिसर्च का मतलब वो इतनी चीज तक लिमिटेड नहीं है कि मैंने एमटेक कर लिया इस टॉपिक पे किया, मैंने पीएचडी कर लिया इस टॉपिक पे किया। अंटिल और अनलेस तुम्हारी रिसर्च सोसाइटी को सोल्यूशन नहीं दे रही है, तुम्हारी रिसर्च करना बेकार है। वो ठीक है, वो तुम्हारे इंडिविजुअल के लिए ठीक है कि ठीक है मेरा एमटेक हो गया, मेरे को ग्रोथ मिलेगा, मैंने पीएचडी हो गया, मेरे पास एक सर्टिफिकेट आ गया, इसके बेस में मैं किसी कॉलेज में अप्लाई कर सकता हूं या मैं किसी इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई कर सकता हूं, वो ठीक है, वो हमारे एज ए इंडिविजुअल ठीक है। लेकिन अदरवाइज जिसके लिए एग्जाम स्टार्ट हुआ था, जिसके लिए हायर स्टडीज को प्रमोट करना स्टार्ट हुआ था, दैट वाज दिस थिंग कि जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है पूरी दुनिया की, इस कंट्री के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, दैट इज हाउ दिस गेट एग्जाम स्टार्टेड टू प्रमोट द हायर स्टडीज। तो वहां पे एमटेक प्रोग्राम स्टार्ट हुए, एमटेक 2 साल का प्रोग्राम है, छोटा प्रोग्राम है। देन दे स्टार्टेड अनदर प्रोग्राम, जैसे आजकल डायरेक्ट पीएचडी स्टार्ट हो गए हैं। डायरेक्ट पीएचडी में क्या होता है कि बीटेक के इमीडिएटली बाद आप 5 साल के प्रोग्राम में पीएचडी कर सकते हो आईआईटीज के अंदर। जितने भी मैं अभी नाम लूंगा या जितने भी आपको मैं ऑप्शंस बताऊंगा, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ द इंडिया, द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री, जो कि ब्रांड है, जो इस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन है। जब आप अपने आप को किसी एज ए ब्रांड की तरह लेके चले जाओगे कि सर मैंने बीटेक इस आईटी से किया है या एनआईटी से किया है, सर मैंने मास्टर्स इस आईटी से किया है या एनआईटी से किया है, उसको लोग पहचानेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और उसको वैल्यू करेंगे। ये चीज दिमाग में रखना, इसका क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करने लाऊंगा। राइट, मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे कितने लोग फाइनल ईयर से, जस्ट रेज योर हैंड, फाइनल ईयर, ओके, प्री फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, ओके, सेकंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर इज ऑल्सो देयर, नहीं फर्स्ट ईयर नहीं है, ठीक है। चलो, ये था गेट एग्जाम की वाई दिस गेट एग्जाम स्टार्टेड। गेट एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि गेट एग्जाम होता क्या है, कितने नंबर का एग्जाम होते हैं। गेट एग्जाम होता है 65 इसमें क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स का एक एग्जाम होता है और 180 मिनट्स, 3 घंटे का एग्जाम होता है। इसमें दो टाइप ऑफ क्वेश्चन, दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। 70% आता आपका हार्डकोर कंप्यूटर साइंस डोमेन में, लाइक सी डाटा स्ट्रक्चर, टीओसी, एल्गोरिदम, आप कोआ वगैरह पढ़ते हैं, एल्गोरिदम वगैरह पढ़ते हैं, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ते हैं, ये आपका कंप्यूटर साइंस का 70 नंबर का आता है। 30 मार्क्स का आप लोगों को आता है इंजीनियर, 30 मार्क्स में से 15 नंबर का आता है आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो आप पढ़ते हैं M1, M2, M3 पढ़ते हैं ना आप लोग, पढ़ते नहीं पढ़ते हो, तो यही आप कैलकुलस पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, टॉपिक्स पढ़ते हैं आप लोग, 15 नंबर का वो होता है। और 15 मार्क्स का आपको आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो 15 मार्क्स का क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जो आप टेंथ तक पढ़ते हो, 15 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो कॉलेज में पढ़ते हो, और 70 मार्क्स का टेक्निकल जो आप कॉलेज में पढ़ते हो, राइट। 3 टाइप ऑफ इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, एक आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन रहेगा, चॉइसिस रहेगी, एक आंसर करेक्ट है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर ठीक है। तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है इसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक होता है, जिसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, जिसका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो ये इसका एग्जाम स्कीम है, कुछ इसके फीचर्स हैं जो गेट एग्जाम के क्या है कि जैसे आप लोग गेट, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये हायर स्टडीज के लिए स्टार्ट हुआ है, तो गेट एग्जाम आप थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स दे सकते हैं, थर्ड ईयर के बाद कभी भी आप लोग देख सकते हैं, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, उसके बाद जब मर्जी दे लो, कोई एज लिमिट नहीं होता। क्यों एज लिमिट नहीं होता? क्योंकि दिस एग्जाम इज मीट फॉर द हायर स्टडीज। तो हायर स्टडीज के लिए, तो हायर स्टडीज करने का कोई एज लिमिट होता है? होते कोई एज लिमिट हायर स्टडीज का? एमटेक पीएचडी करने का कोई एज लिमिट होता है? नहीं होता। दैट इज द रीजन वाई गेट का भी कोई एज लिमिट नहीं होता और ना ही कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का लिमिट होता है। सेकंड, 70-30 हो गया। थर्ड इसमें आ जाएगा कि गेट के थ्रू आपके पास सारी वो ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगी जो मैंने आप लोगों से अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। उसके बाद इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, इसमें वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है। आप लोग अपनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें वर्चुअल कैलकुलेटर फॉर गेट एग्जाम, तो उसमें ऑनलाइन कैलकुलेटर होता है, ठीक है। उसके बाद गेट का जो एग्जाम है, स्कोर है, वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। जैसे मान लो सपोज आप 24 में लिखेंगे, तो 24 से लेके 26 तक, 24 to 25, 25 to 26, 26 to 27, तो 3 साल के लिए वैलिड होता है, 3 साल तक आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ गया कि आप 2 गेट के एग्जाम दे सकते हो, एक तो कंप्यूटर साइंस से भी दे सकते हो, एक अदर से भी दे सकते हो। वो अदर कौन सी, किस किस के साथ दे सकते हो और उसके क्या क्या बेनिफिट होंगे, दैट इज आल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट। तो ये रहा कुछ फीचर्स गेट के एग्जाम के, व्हाई यू शुड राइट द गेट एग्जाम, क्योंकि जिसके थ्रू आपको, जैसे मैंने सबसे पहले ऑप्शन बताया, जॉब का ऑप्शन, जॉब में पब्लिक सेक्टर का ऑप्शन, पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं, पब्लिक सेक्टर क्या मतलब है, पब्लिक सेक्टर का पीएसयूज
क्या होते हैं पब्लिक सेक्टर? कोई नाम बताओ मेरे को पब्लिक सेक्टर का, ये प्लीज। हाँ बताइए मेरे को नाम पब्लिक सेक्टर का। ये पीएसयू टर्म ही पहली बार सुनी आपने, पब्लिक सेक्टर। कोई नाम बताओ, मैं इससे पहले थोड़ी देर पहले कुछ लेके तो आऊंगा नाम। आईएसआरओ, बीएआरसी, डीएमआरसी, आईओसीएल, एचपीसीएल, सेल, गेल, 250 प्लस पीएसयूज हैं आपके। बैंक्स क्या हैं? पीएनबी बैंक, एसबीआई बैंक, जेएंडके बैंक, ये सब पीएसयूज हैं। ये गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है। है हरियाणा के यहां पे, पंजाब से है, चंडीगढ़ से है, उसके बाद जेएंडके से है, मतलब मेजोरिटी हिमाचल से है। अब थिंक अबाउट कि लर्निंग किस तरीके का होगा आप लोगों का अगर यहां पे मेजोरिटी लोग हिमाचल के हैं। अब मैं उन ब्रांड्स की बात कर रहा हूं जहां पे पूरे इंडिया का बच्चा आपको मिलेगा, साउथ इंडियन भी मिलेगा, बंगाल का भी मिलेगा, राजस्थान का भी मिलेगा, यूपी बिहार का भी मिलेगा, पंजाब का भी मिलेगा, हिमाचल का भी मिलेगा। तुम्हारा एक्सपोजर कितना ज्यादा बढ़ेगा, तुम्हारा लर्निंग डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा हो जाएगी आपकी। तुम्हें तुम जो बहुत माइन्यूटली सोचोगे ना, जैसे बोलते हैं ना बहुत एक ब्रॉडली हम बोल देते हैं चीजें कि हिमाचल के स्टूडेंट कुछ इस तरह के होते हैं, पंजाब के स्टूडेंट कुछ इस तरह के होते हैं, साउथ के स्टूडेंट कुछ इस तरह के होते हैं, बोलते हैं ना हम लोग। तो जब तुम लोग सारे मिक्स ही हो जाओगे तो कितना तुम्हें लर्निंग होगा एक दूसरे से। तुम बोलोगे यार साउथ इंडियन स्टूडेंट ना यार बहुत ज्यादा रिसर्च करता है कोई भी काम करने से पहले, या यूपी बिहार का स्टूडेंट ना बहुत ज्यादा मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग होता है, वो पढ़ता रहता है चार चार पांच पांच छह छह घंटे, समझ रहे हो बात। तो तुम्हें हर किसी से लर्निंग मिलेगी, हर किसी से लर्न करने का मौका मिलेगा। नाउ थिंक अबाउट व्हेन यू गो अब्रॉड, नाउ थिंक अबाउट व्हेन यू गो अब्रॉड, वहां पे कौन मिलेगा तुम्हें? इंडिया का, चाइना का, जापान का, कोरिया का, कैनेडा का, हर कंट्री का बच्चा वहां पे मिलेगा। समझ मेरी पॉइंट की नहीं, वहां पे बात समझ रहे हो ना? तो ये चीज होती है एक्सपोजर जो तुम्हें लेना है। एक जगह पे बैठ के तुम उतना लर्न नहीं कर पाते जितना तुम बाकी ऐसी जगह पे चले जाओ जहां पे बाकी सारे लोग बैठे हैं, और वो है आईटी सिस्टम, एनआईटी सिस्टम, ट्रिपल आईटी सिस्टम, कॉलेजेस लाइक बिट्स बिट्स वगैरह, वीआईटी वगैरह, बहुत कॉलेजेस हैं ऐसे हैं। अगर तुम्हारे पास ये तीन चीजें हैं, ब्रांडिंग है, एक्सपोजर है, स्पेशलाइजेशन है, बिलीव मी आपको पैसे के पीछे भागने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग, आप लोग बीटेक पास आउट करेंगे 21-22 के एज में, राइट? 21-22 के एज में करोगे आप बीटेक पास आउट? मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मोर देन 80% स्टूडेंट्स को इमीडिएटली जॉब का रिक्वायरमेंट नहीं है अगर वो सेल्फ सस्टेन कर सकते हैं अपने आप को। ओनली 10-20% होते हैं, एक्सेप्शन केसेस आर देयर, कि जिसको शायद रिक्वायरमेंट होता है इमीडिएटली जॉब करने का, अदरवाइज नहीं है रिक्वायरमेंट। अगर आप अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर लो और वो सेल्फ सस्टेनमेंट आपको देता है, आपको पैसा दे रहा है, लेकिन साथ में आपके स्किल भी इंप्रूव हो रहे हैं, ब्रांडिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, समझ रहे नहीं समझ रहे इस बात को? ये चीज समझ में आ रही कि नहीं समझ आ रही है? तो हायर स्टडीज को हर किसी को करना चाहिए। उसके पीछे और रीजन क्या है कि फ्लो, अभी मोमेंटम वो बना हुआ है, अभी वो मोमेंटम बना हुआ है, इसी मोमेंटम के साथ निकल जाओ। मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट का आईटी में सिलेक्शन होगा, आपका कॉलेज 101% आई एम टेलिंग यू दैट, आपका कॉलेज वहां पे आपकी फोटो बड़ी करके जरूर लगाएगा कि हमारा ये स्टूडेंट इस आईटी में सिलेक्शन हो गया, हमारे इस स्टूडेंट ने आईटी में जाके मास्टर्स किया, उसका 60 लाख का पैकेज लगा है, उसका 50 लाख का पैकेज लगा है। करेगा कि नहीं करेगा आपका कॉलेज? यस। किसी को तो एग्जाम्पल सेट करनी है, किसी को तो अपनी फोटो लगवानी है वहां पे। तो स्टार्ट करो प्रिपरेशन, पढ़ना स्टार्ट करो, और टारगेट लो कि मेरे को हायर स्टडीज डोमेन में जाना ही जाना है। जैसे अभी तक आप लोग जो इस डोमेन में एंटर करे ना, यहां तक एक रैट रेस को फॉलो करते हुए आए हो, पता आप लोगों को? अभी तक आप लोग जो यहां तक पहुंचे हो ना, रैट रेस के कारण आए हो। कंप्यूटर साइंस क्यों ज्वाइन किया? 10-20% होंगे जो बाय इंटरेस्ट आए हैं यहां पे, अदरवाइज मेजोरिटी यहां पे इस रीजन से आए हैं कि चलो ठीक है प्लेसमेंट हो जाएगी इजीली, दो चार पांच 10 लाख का सैलरी तो लग ही जाएगा। ये मेजोरिटी का रीजन है ये, टेल मी इफ आई एम सेइंग एनीथिंग रॉन्ग, दिस इज अ फैक्ट।
तो हमें उस बच्चे रैट रेट से बाहर निकलना है, हमें अपने स्पेशलाइज्ड डोमेन में जाना है, हमें स्किल एक्वायर करने स्पेशलाइज्ड डोमेन के, जिसकी इस टाइम पे इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है, जिसकी इस टाइम पे इंडस्ट्री को नीड है। समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे हो? इस तरीके से सोचो, थोड़ा बड़ा सोचना स्टार्ट करो, लिमिटेड मत रखो अपने आप को 5-7 लाख तक, अपने आप को बड़ा सोचना स्टार्ट करो, क्योंकि छोटा सोचना पाप है। किसने बोली है बात ये? स्मॉल थिंकिंग इज अ सिन, किसने बोला ये? हाँ बोलो बोलो यार, थोड़ा रिस्पेक्ट से तो नाम ले लो। हाँ किसने बोला है? सही बोला है, किसने भी बोला है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। स्मॉल थिंकिंग इज अ सिन, मैं ये लाइन हर प्रेजेंटेशन में बोल रहा हूं मैं। अच्छा मेरे को ये बताओ, सिन का मतलब क्या होता है? पाप, पाप होता है ना। अब मैं किसी के थप्पड़ मार दूं, मैं कोई मेरे को बोलेगा यार तूने सिन किया? नहीं बोलेगा ना। सिन वर्ड हम कब यूज करते हैं? सिन वर्ड हम पाप वर्ड यूज करते हैं जब हम रिलीजन से रिलेटेड बात करते हैं, है ना। रिलीजन से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तब हम पाप वर्ड यूज करते हैं ना। हाँ या ना तो बोलो। तो इसलिए उन्होंने, क्योंकि इंडियंस बहुत रिलीजियस होते हैं, दैट इज द रीजन ही यूज दिस टर्म, कि एटलीस्ट यार अब तो तुम जाग जाओ कि तुम अगर छोटा सोच रहे हो तो तुम पाप कर रहे हो, कितनी बड़ी चीज कर रहे हो तुम। तो तुम्हें छोटा नहीं सोचना है, बड़ा सोचो, क्योंकि जब तक तुम बड़ा नहीं सोचोगे नहीं कर पाओगे यार, रेट रेस से बाहर निकलना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, सीटें खाली रह रही हैं आईआईटीज की। क्यों मैं इतना प्राउडली बोल रहा हूं? बिकॉज दिस योर पीडीएफ प्लेटफॉर्म, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, आईआईटीज के अंदर जितना भी स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए जाता है, चाहे वो मास्टर्स का हो चाहे पीएचडी का हो, मोर देन 90% स्टूडेंट वो योर पीडीएफ से ही चैनलाइज होकर जाता है। सर मेरा ये गेट स्कोर है, मेरा ये सीजीपीए, मेरा ये कैटेगरी है, मैं कहां अप्लाई करूं? अप्लाई किया, प्रोसेस फॉलो किया, इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन हो गया। सर मेरा ये 4 जगह सिलेक्शन हो गया, मैं कहां ज्वाइन करूं? सर मेरे को कम से कम 25-30 लाख का पैकेज चाहिए, ऐसे बोलता बच्चा। सर मेरे को 50 लाख का पैकेज चाहिए, मेरे को सर बहुत पैसा कमाना है। और वो तुम्हें मिलेगा तभी जब आपके पास ये 3 चीजें होंगी, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और एक बहुत बड़ी गलती जो तुम लोग करते हो, पता क्या है? जब तुम बीटेक पास आउट करते हो, तुम अपने आप का कंपैरिजन करने लग जाते हो एक दूसरे के साथ। उस टाइम पे कंपैरिजन नहीं करना है, कंपैरिजन करना है 5-7 साल के बाद। ये मत सोचना जब बीटेक पास हुआ कि मैंने टारगेट लिया हुआ आईटीज का, मेरे साथ वाले का तो प्लेसमेंट हो गया 5-7 लाख का, या मेरे साथ वाला तो फॉरन जा रहा है, या मेरे साथ वाला तो ये करना है। नहीं करना है कंपैरिजन, बिलीव मी। आपको 5-7 साल के बाद कंपैरिजन करना है, लेकिन अपने 5-7 साल ढंग से लगाने हैं, चाहे जिस भी डोमेन में तुम जाना चाहते हो, चाहे वो हायर स्टडीज है, चाहे वो मास्टर प्रोग्राम है, किसी भी डोमेन में तुम जाना चाहते हो, बड़ा सोचो, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। एक एनआईटी कुरुक्षेत्रा के अंदर, सॉरी कुरुक्षेत्रा भी छोड़ो, एनआईटी उत्तराखंड के अंदर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस वाले का 55 लाख का पैकेज लगा है, सॉरी मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस वाले का 55 लाख का पैकेज लगा है एनआईटी उत्तराखंड। मैंने बोला है जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे होता है मास्टर्स के लिए, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट को चेक कर लेना उनकी वेबसाइट पे जाके। लेकिन हम तो आईटीज ट्रिपल आईटीज की बात कर रहे हैं, जहां पे बहुत ह्यूज पैकेजेस हैं। लेकिन वो क्यों पैसा दे रहा है? सोच के देखो यार, क्यों कोई पैसा आपके ऊपर लगा है? कोई इंडस्ट्री क्यों पैसा दे रही है आपको? कुछ तो यार तुम्हारे अंदर बात होगी ना। पहला चीज ब्रांडिंग, एक्सपोजर जो तुम्हें मिला होगा वहां पे, जो तुम्हारा स्पेशलाइज्ड है, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं स्पेशलाइजेशन के। यार इस ये बच्चन जो ऐसा है जिसने इस डोमेन में काम किया है, मेरी प्रॉब्लम इस तरीके की है, ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, इसके ऊपर मैं इन्वेस्ट करता हूं। अगर मैं इसके ऊपर 50 लाख इन्वेस्ट करूंगा, ये मेरे को 2 करोड़ कमा के देगा। इस तरीके से चलता है सिस्टम। अपने आप को मार्केट में मत थ्रो करो कि उठा लो कोई भी ले जाओ, अपने आप को साइड पर रख लो। मेरे ये स्किल्स हैं, जिसको चाहिए बताओ। ऐसे वैल्यू बढ़ती है अपनी। और आईटी सिस्टम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए नहीं है, आईटी सिस्टम एम्प्लॉयर क्रिएट करने के लिए है। एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बहुत डोमेन स्टार्ट हो चुकी हैं। आपके कंप्यूटर साइंस डोमेन के बहुत स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं। 2 कैटेगरी के कोर्सेज होते हैं, एक आपके कोर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, एक आपके इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज हैं। मेरे को कोई आपको मेरे से बता सकता है कि एमटेक जब आप हायर स्टडीज स्पेशलाइज्ड डोमेन में जाना चाहते हो तो बीइंग द कंप्यूटर साइंस आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होती हैं? एक तो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस में जा सकते हो, और बोलो
नहीं, ए आई मशीन लर्निंग डाटा साइंस छोड़ दो, ये इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है, ये कंप्यूटर साइंस की डोमेन नहीं है। और बताओ, क्लाउड कंप्यूटिंग मशीन लर्निंग नहीं है, और साइबर सिक्योरिटी, और बताओ, बहुत सारे डोमेन्स हैं कंप्यूटर साइंस कोर की, मैं बात कर रहा हूं इंटरडिसिप्लिनरी की। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है, जिसमें कोई भी ब्रांच का बच्चा जा सकता है, जैसे डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, एरोस्पेस, उसके बाद आपका आ गया दिस जियो इन्फॉर्मेटिक्स, उसके बाद आपका आ गया मटेरियल साइंस, उसके बाद आपका आ गया मशीन लर्निंग हो गया, और काफी डोमेन अभी नहीं हिट कर रहा दिमाग में। तो ऐसी नॉन कोर की इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस की बहुत डोमेन्स हैं। ये डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, ये कंप्यूटर साइंस का डोमेन नहीं है। नो डाउट कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स को उसमें बेनिफिट होता है, क्योंकि आप लोगों ने कुछ लैंग्वेजेस पहले पढ़ी होती है। ये मैथमेटिक्स की डोमेन है, अगर ये कंप्यूटर साइंस की डोमेन होती तो बाकी ब्रांच का बच्चा इसमें एलिजिबल ना होता। इस बार गेट कौन करवा रहा है, इस बार गेट कौन कंडक्ट कर रहा है, भरा किसी ने गेट का फॉर्म, इस बार भरा किसी ने, भरना किसी ने, भरना किसी ने, परसों है लास्ट डेट 29 तारीख, आज 27 है, विदाउट लेट फीस, इसके बाद फिर लेट फीस के साथ भर पाओगे। तो हायर स्टडीज जो मैं बात कर रहा हूं गेट का, इस बार कौन कंडक्ट करवा रहा है, आईसी बेंगलोर कंडक्ट करवा रहा है। एक नया गेट का पेपर स्टार्ट हुआ है इस बार, कौन सा गेट पेपर स्टार्ट हुआ है नया, पता कि नहीं पता, नहीं पता, डेटा साइंस एंड एआई, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक नया गेट का पेपर स्टार्ट हुआ है इस बार। आप में से अगर कोई भी स्पेशलाइज्ड डोमेन डाटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग में जाना चाहता है तो उस गेट के एग्जाम के थ्रू जा सकते हो। ऑल्दो यू कैन ऑल्सो एंटर थ्रू द कंप्यूटर साइंस इन गेट, उसके थ्रू भी जा सकते हो, लेकिन अगर यह कि आपको जाना है इसी डोमेन में, देन डोंट राइट द कंप्यूटर साइंस इन गेट, राइट इन डेटा साइंस एंड एआई। उसमें आपको सिलेबस कम है, 40% उसमें मैथमेटिक्स है, डीबीएमएस है, एल्गोरिदम है, और मशीन लर्निंग है, एआई है, ये टॉपिक्स है उसके, सिलेबस ये है उसके अंदर, थोड़ा सा सिलेबस है, बहुत इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हो उसको। समझ लो, अपने जोन को लिमिटेड मत रखो, अपने जोन को बहुत लिमिटेड किया हुआ है तुम लोगों ने। डेटा साइंस यही के बारे में नहीं पता कि नया गेट का पेपर स्टार्ट हुआ है, भरना तो दूर की बात है तुम लोगों के लिए, और स्पेशलाइज्ड डोमेन में आ जाओ। ऐसा नहीं है कि अगर आप गेट का प्रिपरेशन करोगे तो प्लेसमेंट हैम्पर हो जाएगा, नहीं होगा। एक बच्चा मेरे को कोई खड़ा होकर ये बता दो कि सर मैं अगर गेट का तैयारी करूंगा तो मेरा प्लेसमेंट ऐसे नुकसान हो जाएगा, मेरा प्लेसमेंट का कोई एक मेरे को रीजन बता दो कि ये होगा, हो ही नहीं सकता, बल्कि तुम्हें उसका बेनिफिट मिलेगा क्योंकि तुम चीजें लर्न करते हो और तुम बता पाओगे अपने इंटरव्यू के अंदर, यहां पे होगा सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जाम थ्रू दिस, बता सकते हो उसको, उसको आपको बेनिफिट देगा उसको। इंटरव्यू एक आर्ट होता है कि इंटरव्यू को अपनी डायरेक्शन में कैसे पुल करना है, वो एक आर्ट होता है। अब जैसे कि इससे पहले मैंने बताया, अच्छी बात यह है कि यहां पर सेकंड ईयर का बहुत स्टूडेंट है, अच्छी बात यह है थर्ड ईयर का भी स्टूडेंट है, तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। इससे पहले मैंने दो स्लाइड स्किप किए हैं, क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आप गेट पेपर दो दे सकते हो, बताया था मैंने पहले, नहीं बताया था कि आप दो गेट के एग्जाम दे सकते हो, वो कौन से, मैं आपको बता रहा हूं। आप थर्ड ईयर ऑनवर्ड गेट दे सकते हो, क्या उसके बेनिफिट है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। उससे पहले ये चीज देखो, विजिबल है, चलो मैं बोलता हूं, ये कोर्स है गेट पेपर के कोर्स है, ठीक है। अब आपका बीटेक है कंप्यूटर साइंस में, तो अगर आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस में है तो जो दो गेट पेपर, आप दूसरा गेट का पेपर कौन सा दे सकते हो, ऑल्दो कि आप गेट का पेपर किसी भी ब्रांच में दे सकते हो, चाहे फिजिक्स में दे लो, केमिस्ट्री में दे लो, मैकेनिकल में दे लो, जिसमें मर्जी दे लो, उसमें ट्रबल नहीं है। ट्रबल कहां पे आता है, जब आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हो, राइट, जब आप अप्लाई करोगे डाटा साइंस में, मेरा बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, मेरा गेट इन दिस ब्रांच, आई एम एलिजिबल एट दीज प्लेसेस, तो वहां पे एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, राइट। तो अब अगर आप दो गेट के पेपर देना चाहते हो तो पहला पेपर अगर आप कंप्यूटर साइंस रखते हो तो दूसरा पेपर आप डाटा साइंस से दे सकते हो, डीए इज द कोर फॉर डाटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स में दे सकते हो, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में दे सकते हो, मैथमेटिक्स में दे सकते हो, फिजिक्स में दे सकते हो, स्टैटिस्टिक्स में दे सकते हो, तो ये दो गेट पेपर दे सकते हो आप। उल्टा अगर आप पहला पेपर डाटा साइंस का देना चाहते हो, ऑल्दो कि पहला कौन सा दूसरा कौन सा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपॉर्चुनिटीज के अंदर, राइट, लेकिन कंबिनेशंस की बात है। अगर आप पहला पेपर डाटा साइंस का देते हो तो दूसरा पेपर आप कौन सा रख सकते हो, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल, स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग साइंसेस,
अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि थर्ड ईयर में देना है कि नहीं देना, देना तो कौन सा देना है, नेक्स्ट दो पेपर देने कि नहीं देने हैं, ठीक, ये दो क्वेश्चन है। देखो पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि थर्ड ईयर में देना है कि नहीं देना। अब यहाँ पे डिपेंड इसके ऊपर करता है कि मेरे को किसी डोमेन में जाना है। अगर तो मैं टारगेट कर रहा हूँ पब्लिक सेक्टर, बड़ा सिंपल सा, अगर मैं जॉब टारगेट कर रहा हूँ तो यू हैव टू राइट गेट इन कंप्यूटर साइंस ओनली, अदरवाइज एलिजिबिलिटी ही नहीं बनेगा आपको। गेट बीटेक तुम्हारा कंप्यूटर साइंस, गेट इन कंप्यूटर साइंस, देन यू आर ओनली एलिजिबल फॉर द दिस जॉब ऑप्शन, पब्लिक सेक्टर का या गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन, तभी आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट आ गया, अब मेरे को सर हायर स्टडीज डोमेन में जाना है तो मैं कौन सा गेट का पेपर लिखूं। अगर तो मेरे को जाना है डाटा साइंस मशीन लर्निंग एआई की तरफ जाना है, इसी डोमेन में जाना है, देन राइट थ्रू द गेट इन डाटा साइंस एंड एआई। सर मेरे को साथ में कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन भी ओपन करना है, देन राइट गेट इन द कंप्यूटर साइंस ऑल्सो। सर मेरे को सारी ऑप्शन ओपन करनी है तो कंप्यूटर साइंस से भी दो, डाटा साइंस से भी दो, दोनों पेपर दे सकते हो। सर फायदे क्या हो गए दो पेपर देने के? फायदा ये मिलेगा कि आपने पूरा साल मेहनत किया, फॉर एग्जाम्पल पूरा साल आपने एफर्ट मारा अच्छे तरीके से, और गेट का एग्जाम है 3 घंटे का, शायद मेरे वो लाइफ के 3 घंटे अच्छे नहीं थे, होता है बुरा समय आता है, कई बार हेल्थ भी ठीक नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या वो 3 घंटे मेरा पूरा लाइफ मेरा करियर खराब कर देंगे? नहीं, नहीं होना चाहिए ऐसा। इसी कारण से चॉइसिस बढ़ा लो, मतलब ऑप्शन बढ़ा लो। मेरे पास कॉइन है, हेड लेके आना है, एक चांस है हेड लाने का, प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 50%, दो चांस है एक ही बार हेड लेके आना है, बढ़ गई प्रोबेबिलिटी, तीन चांस है हेड ही लेके आना एक बार और बढ़ गई प्रोबेबिलिटी। यही चीज मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होगा, मल्टीपल 3-3 घंटे के ऑप्शन होंगे, कोई एक एग्जाम तो ऐसा होगा ना जो अच्छा जाएगा मेरा, और उसी गेट स्कोर को मेरे को यूज करना है जब मैं अप्लाई करूंगा हायर स्टडीज के लिए। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ राइटिंग मल्टीपल एग्जाम, और कौन सी ब्रांच के साथ देना चाहिए वो भी मैंने आपको कवर कर दिया, और थर्ड ईयर में डेफिनेटली देना चाहिए, और थर्ड ईयर में अगर आपको देना है तो मेन ब्रांच से मत दो, क्योंकि थर्ड ईयर में आपको कॉलेज से साथ भी बैलेंस करना है, कॉलेज के साथ भी बैलेंस करना है, तो गेट अगर थर्ड ईयर में देना चाहते हो तो सेकंड पेपर के साथ दो, मतलब ओनली डाटा साइंस के साथ दो या ओनली जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ दो। जियो इन्फॉर्मेटिक्स का भी सिलेबस देखना आप लोग, बहुत बहुत सिंपल है सिलेबस जियो इन्फॉर्मेटिक्स का, राइट? समझे, बात समझ में आई कि नहीं आई? कि थर्ड ईयर में देना है, फाइनल ईयर में देना है, एक पेपर देना है, दो पेपर देने हैं, किसके साथ देने हैं, समझ में आ गई कि नहीं आगे बात? हाँ है ना, राइट? उसके बाद अब नेचर में कंक्लूड कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हायर स्टडीज हर किसी को जाना चाहिए, लेकिन उसके पीछे करने के 3 पर्पस होने चाहिए, 3 पर्पस उसको करने के, कि एक तो ब्रांडिंग होना चाहिए मेरा, स्पेशलाइजेशन मेरी होनी चाहिए, एक्सपोजर मिलना चाहिए, ये बहुत बड़ा रीजन है। हाई जो भी जॉब के लिए जाना चाहते हो उसको गेट का जो पेपर है वो अपनी कोर डोमेन से ही लिखना है, कंप्यूटर साइंस से ही लिखना है, और प्लेसमेंट में आपको बेनिफिट मिलेगा उसका आने वाले टाइम में, आपको ही लो यहां से, लेकिन गेट का पेपर आपको एक अपने आपको एक एक्सपोजर देने के लिए, एक चांस देने के लिए देना चाहिए। और अगेन एक और चीज कि सबसे ज्यादा बेनिफिट जो गेट का पेपर देने का है या जो हायर स्टडीज मास्टर्स करने का है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का है, क्योंकि जो हाई पैकेजेस जाते हैं वो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए जाते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं जाते। ऑल्दो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डोमेन भी अब एलिजिबल है डाटा साइंस और एआई मशीन लर्निंग में एग्जाम देने के लिए, वो भी एलिजिबल है। तो टारगेट करो, बड़ा सोचो जैसे मैंने आपको बोला, छोटा नहीं सोचना है। अच्छा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रेटेजी का, कि सिर्फ स्ट्रेटेजी बताओ करें कैसे, मैं सेकंड ईयर में हूं कैसे तैयारी करना स्टार्ट करूं, मैं थर्ड ईयर में हूं तैयारी करना कैसे स्टार्ट करूं। थर्ड ईयर के पहले भी आप करते हैं सारे बच्चे पेपर तो डाटा साइंस और एआई के साथ, 40% तो उसमें मैथमेटिक्स है आपका, स्टेटिस्टिक्स है आपका, प्रोबेबिलिटी वगैरह के टॉपिक्स है उसमें, कैलकुलस है, बहुत सिंपल सिलेबस है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ उसके अंदर। 30 नंबर का तो आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग और इंग्लिश आना है, पीछे क्या बचा है डीबीएमएस आप पढ़ते हो, एल्गोरिदम आप लोग पढ़ते हो, दो सब्जेक्ट हैं मशीन लर्निंग और एआई जो आपको पाइथन के साथ करनी है। मैं सिर्फ उतना तो बोल रहा हूं जितना मेरे को समझ है, जो मेरे को टीचर्स ने बताया कंप्यूटर साइंस में, ठीक है? इससे आगे टेक्निकली पूछो तो मेरे को नहीं पता सीरियसली, तो जो मेरे को बताया उतना तो बता रहा हूं मैं आपको। मैं तो एल्गोरिदम डीबीएमएस लेकिन पाइथन के साथ इसको यूज कर रहे हैं, उसके साथ है बहुत इजी पेपर है, डाटा साइंस के साथ दो, और टारगेट करो कि मैं 60-70 नंबर का यू कैन इजिली प्रिपेयर इन दिस 4 मंथ्स।
60-70 नंबर का आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो अगले 4 महीने के अंदर, राइट। उसके बाद 4 महीने में प्रिपरेशन करने के बाद अगर तुम 60 नंबर का भी प्रिपरेशन करके जा रहे हो, अगर उस 60 नंबर में तुम अगर 30-35-40 नंबर भी लेके आ रहे हो तो तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा अगली बार एग्जाम देने के लिए, तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा अगली बार एग्जाम देने के लिए जब तुम 100% प्रिपरेशन के साथ जाओगे और टारगेट करो 60-70 नंबर। ऑल्दो कि ये कितना क्या स्ट्रेटेजी बन रहेगा ये टोटली डिपेंड करेगा आपके उसके बाद मार्क्स कितने आते हैं, कुछ भी मार्क्स लेके आओगे वी आर हेयर टू हेल्प यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि हम लोग गाइड करते हैं कि कहां अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, किस क्रेडेंशियल्स पे, किस गेट्स पर, किस सीजीपीए, किस कैटेगरी पे आपको कहां पे अप्लाई करना चाहिए जिससे तुम्हें एटलीस्ट कॉल आए आईआईटी से, उसके बाद फिर इंटरव्यू का प्रोसेस है जिसको इंटरव्यू को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है, राइट। ये चीजों को फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा करियर बनाओगे। मैं अगेन मैं इसे बोल रहा हूं, आई विल वॉन्ट और मैम भी चाहेंगे कि यहां पे एटलीस्ट अगले साल, या आप लोग थर्ड ईयर में है, एटलीस्ट 4-5 जरूर बने, यहां पे लिखा जाए कि हमारे स्टूडेंट्स ने गेट क्वालिफाई किया है थर्ड ईयर के अंदर ही, और यू कैन डू दैट इजिली, आप लोग कर सकते हो, और स्पेशलाइजेशन लाओ अपने अंदर, और बड़ा सोचो यहां पे फोटो लेके आओ अपने साल 1.5 साल के अंदर कि यस मैं आईआईटी में हुआ, यहां पे जरूर आपको जरूर वैल्यू मिलेगा उस चीज का। ये चीज बाद में देख लेना, कोई बात नहीं, मेरे को फोकस पर तो सुनो 2 मिनट के लिए, बस एंडिंग कर रही है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो यहीं से मेंट करते हैं। अब आप लोगों का कोई भी किसी तरीके का क्वेरी है मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट में बस मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि इस पूरी प्रेजेंटेशन में जो भी चीजों में आपको दिमाग में हिट किया है कि नहीं यार ये चीज ठीक है, ये मेरे टेम्परामेंट को मैच कर रहा है और मैं ये करना चाहता हूं, घर जाके कहीं ना कहीं उसको लिख लेना, घर जाके कहीं ना कहीं लिख लो, किसी कॉपी में, किसी बोर्ड पे, किसी दरवाजे के पीछे, जिसको आपने रोज देखना है, रोज देखना है आपने उसको, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये देख तेरा भाई ये करेगा, ये मत बोलना किसी को भी, कि अपने आप तक रखना कि यस ये मैं कर रहा हूं मैं। और अपने ग्रुप बना लो, ग्रुप बना लो कि जो हायर स्टडी टारगेट कर रहे हैं, जो अब्रॉड टारगेट कर रहे हैं, और डिस्कशन स्टार्ट कर दो आपस में, आपस में डिस्कशन स्टार्ट कर दो। और तैयारी करने का तरीका क्या है, जो कॉलेज में सब्जेक्ट चल रहा है आपका, स्पेशली टू द सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, जो कॉलेज में तुम्हारा सब्जेक्ट चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मार्केट से बुक परचेज करो, लास्ट के 25 साल के पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप हाथ से 10 बार भी लगा लोगे विदाउट एनी थ्योरी प्रिपरेशन, बिलीव मी यू कैन इजिली क्रैक द गेट एग्जाम, इजिली यू कैन क्रैक द गेट एग्जाम, लेकिन उसको लिख के करना है, देख के नहीं करना है। और अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, ऑब्वियसली आपको अपने कंसेप्ट, अपने फंडामेंटल्स, आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने ही पड़ेंगे। और बहुत इजी एग्जाम है, प्रीवियस ईयर देखना स्टार्ट करो, प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट करो कॉलेज के साथ साथ, राइट। नाउ एनीवन एनी अदर क्वेरी, सो दिस इज दिस कोड, क्यूआर कोड फॉर अवर दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म, आप लोग इसको स्कैन करके इसको फॉलो करना स्टार्ट करो, सो दैट कि आपसे कोई चीजें मिस ना हो जाए। दूसरा चीज है, अभी जो आप लोगों से जो डिटेल्स लिया है, कॉन्टेक्ट नंबर, उसका पर्पस है, उसका पर्पस ये है कि हम लोग आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। पंजाब में जहां पे भी मैं जा रहा हूं कॉलेजेस में, उनका अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, हिमाचल में जितने भी कॉलेजेस हैं उनका अलग व्हाट्सएप ग्रुप में है, उनमें मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा, क्योंकि मेरे को पता आप लोग ये चीजें भूल जाओगे ना, है ना, यस ना, हाँ। लेकिन अब याद कैसे रहेंगी, ग्रुप के अंदर, वहां पे आपको हर चीज का अपडेट मिलेगा, इस चैनल के ऊपर भी अपडेट मिलेगा, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, लेकिन उसके अंदर पेशेंस के साथ बैठना, क्योंकि टाइम के साथ ही चीजें मिलेंगी। अब्रॉड से रिलेटेड भी जो भी अब्रॉड टारगेट कर रहे हो, मैं उसमें एक आपका वेबिनार करवाऊंगा उन लोगों के साथ जिन लोगों ने अचीव की है चीजें। नाउ इन द एंड, एनीवन एनी क्वेरी इफ यू हैव, कोई भी किसी तरीके का क्वेरी आप लोगों के पास, मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी छोटा क्वेरी, कोई भी बड़ा क्वेरी, हेजिटेट मत करना कि बाद में कोई आपका फ्रेंड मजाक बनाएगा, अच्छा तूने क्वेश्चन पूछा था, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एनी क्वेरी, पहला ब्रेव मुश्किल से उड़ता है बस, और पहला ब्रेव ही होता है जो उड़ता है, पता है, और पहला ही मुश्किल होता है, उसके बाद तो क्वेश्चन पूछते हो आप लोग, पूछो कोई भी डाउट है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, बीसी एलिजिबल नहीं है, बीएससी किसी भी डोमेन से दिया हुआ है, यू आर एलिजिबल, एमसीए इज एलिजिबल टू राइट द गेट एग्जाम, एमसीए एलिजिबल है। अगर बीएससी है किसी भी डोमेन में, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोटेक है, किसी भी डोमेन में आपका बीएससी है, ये इसी साल से हुआ है कि बीएससी इज नाउ एलिजिबल टू राइट फॉर द गेट एग्जाम, लेकिन अगर बीसीए एलिजिबल नहीं है, एमसीए के बाद एलिजिबल है। यहां पे है कोई बीएससी का?
नहीं बीसीए हाँ, तो एमसीए आप करके फिर आप गेट का एग्जाम दे सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर द बीसीएमटेक प्रोग्राम। हाँ देना चाहते हो तो दे दो, एमएस करना चाहते हो मास्टर इन साइंसेस जो मैंने प्रोग्राम बताया था, एक्चुअली क्या कि बीसीए प्लस एमसीए इज इक्वल टू बीटेक। फॉरेन के लिए आप जा सकते हो, यस फॉरेन के लिए आप जा सकते हो। बीसीए के बाद एमएससी किस डोमेन में करना चाहते हो? जैन के थ्रू नहीं, तो उसका एलिजिबिलिटी क्या है? नहीं मेरे को क्रॉस चेक करना पड़ेगा, नहीं मेरे को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। मेरे को आप व्हाट्सएप कर देना, ये नंबर मेरा ही है, ये मैसेज मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मैं एनी अदर क्वेरी, पहले तो अपने आपको यार अपनी स्पेशलाइजेशन बनाओ, 22 23 24 25 साल तक सेल्फ सस्टेन करो और बड़ा सोचो, जो मैंने आपको पहले भी बोला 30 40 50 लाख कुछ नहीं होते यार, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। एक बार एंट्री कर जाओगे अपनी जनरेशन आगे वाली सेट कर लोगे, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं। मैं 5-7 लाख तक मत लिमिटेड रहना। एनीवन एनी अदर क्वेरी, और मैं एक चीज और बता रहा हूं, मैं जिस दिन आपके कॉलेज से गेट के अच्छे रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए, जो कंपनी आपको 5 लाख दे रही है ना, वही कंपनी 10 लाख देके जाएगी आपको, बिलीव मी। और यही चीज अभी मेरी माफ कर लो, ये वही कंपनी तुम्हें 10 लाख देके जाएगी जो 5 लाख दे रही है। यस एनी अदर क्वेरी, एक ब्रेक तो मिल गया मुझे, सेकेंड ब्रेक, ये क्वेश्चन तो आने चाहिए, चीजें पता लगी कि नहीं लगा, बताइए पता लगा कि नहीं लगा पता। अच्छा एक चीज और मैं बता रहा हूं, ग्रुप डिस्कशन के लिए मैम जीडीज होते हैं यहां पे जो आते हैं, प्लीज 3 GDs 3 videos हैं। जीडी हमें इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए कि मान के चलो आपको टॉपिक का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इस तरीके से जीडी प्रिपेयर करना है। देयर आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनी ग्रुप डिस्कशन, हाउ टू स्टार्ट ग्रुप डिस्कशन, हाउ टू एंटर इन टू ग्रुप डिस्कशन, हाउ टू कंक्लूड ग्रुप डिस्कशन। यही 3 stages होती है ना किसी जीडी के अंदर, हाय ना ये गूगल उसको व्हाट्सएप पे, उस पर सॉरी यूट्यूब पे डाल देना, तीनों के तीनों वीडियोस योर पीडिया की आएगी। हाउ टू स्टार्ट ग्रुप डिस्कशन 1 million+ व्यूज हो चुके हैं उसको, बहुत अच्छा जीडी है, 5-7 पॉइंट है, क्रैम करना है उसको, बिलीव मी जीडी क्रैक करें। उसके नीचे कमेंट पढ़ना कैसे मिले हुए आपको बच्चों को, इस वीडियो का क्या, 5-5 मिनट का वीडियो है, हाउ टू स्टार्ट ग्रुप डिस्कशन, हाउ टू कंक्लूड ग्रुप डिस्कशन, हाउ टू एंटर इन टू ग्रुप डिस्कशन, ये 3 videos है यूट्यूब के ऊपर पड़ी है, राइट। उसके बाद इंटरव्यू की, इंटरव्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या होती है, इंटरव्यू में बहुत सारे फेसेस होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है उसके अंदर, आपको क्या लगता है? हाँ बोलो, पर्सनैलिटी, मतलब कपड़े कैसे डाले हैं, हाँ बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स, यस हाँ बोलो वे ऑफ टॉकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताएगा, ये तो चीजें है ही है, योर इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका, इंट्रोडक्शन हाउ यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। जैसे मैं एक वर्ड बोला ना मैंने इससे पहले कि इंटरव्यू एक आर्ट है, क्या आर्ट है कि इंटरव्यू को आपने अपने पीछे कैसे लगाना है। आपको ये नहीं सोचना कि पता नहीं मेरे से क्या अगला क्वेश्चन पूछेगा, पता नहीं अगला क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये आपके आपके उस फ्लो में होएंगी चीजें कि आप उससे क्या बुलवाना चाहते हो। और उसमें सबसे बड़ी पहली अपॉर्चुनिटी होती है इंट्रोडक्शन, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यूट्यूब पे डालना, आपको एक वीडियो मिलेगा। अब मैं आपको वैसे नक्शन में बता रहा हूं इंट्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है। इंट्रोडक्शन बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए, इंट्रोडक्शन को बहुत स्ट्रेच नहीं करना है, बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए, और उसमें आप 1-2 इंटरेस्टिंग चीजें जरूर बोलो। इंटरेस्टिंग चीजें का मतलब क्या है, जैसे वो आपका प्रोजेक्ट हो सकता है, आपका कोई फेवरेट, अगर आप हॉबी की बात कर रहे हो, हॉबीज को ऐसा नहीं बोल रहे सर माई फेवरेट माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड टेनिस, ये हॉबीज नहीं है। अगर आप क्रिकेट की बात कर रहे हो उसमें कुछ स्पेशल चीज एंटर करो, सर माई फेवरेट माई हॉबीज प्लेइंग क्रिकेट और दिस टाइप ऑफ क्रिकेट, या अगर वॉचिंग क्रिकेट है तो किस टाइप का क्रिकेट, और उसमें ऐड कर दो कि माई सर माई फेवरेट बैट्समैन इज ये। जब तक आप उसमें कुछ उसको सोचने के लिए उसको सुनने के लिए मजबूर नहीं ना करोगे कि अगला क्वेश्चन वो वहां से पूछे, दैट इज आर्ट, कि जो पिछला आंसर आप कर रहे हो उसमें कुछ आप इंटरेस्टिंग चीज बोल रहे हो या उसमें कुछ अधूरा आप छोड़ रहे हो जिससे वो अगला क्वेश्चन आपका वहीं से पूछे।
सर आई बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश बट माई फेवरेट हॉबी इज कुकिंग द साउथ इंडियन डिशेज फॉर एग्जाम्पल इडली बोल दो कुछ भी बोलो बोले हिमाचल का बच्चा इडली कैसे मतलब ऐसा कंबिनेशन कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट उसके अंदर डालना पड़ेगा आपको समझ रहे मेरा पॉइंट का नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका इंट्रोडक्शन बाकी कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी योर वे ऑफ टॉकिंग ये तो चीजें है ही है कॉन्फिडेंस ये चीजें तो है ही है लेकिन आपको यही नहीं पता बोलना क्या है तब तक ये चीज नहीं होगी एक डेडिकेटेड चैनल है योर पीडिया मॉक इंटरव्यू GDGT जिसमें ओनली इंटरव्यूज ही पड़ी है हर PSU का हर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यूज पड़ा है और मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाह रहा हूं मैंने उस दिन भी बताया था इलेक्ट्रिकल में कि अगर आप लोगों में से कुछ कोई मॉक सेशन चाहता है फ्री सेशन रिलेटेड टू योर इंट्रोडक्शन HR वी कैन डू दैट मैम कोई इश्यू बात नहीं वी कैन डू दैट फ्री कि आप अपने आपको एक बार इंट्रोड्यूस करें उसमें आपको फीडबैक मिलेगा HR पार्ट भी HR पार्ट दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है HR पार्ट क्या होता है HR पार्ट से इससे मतलब नहीं है कि कोई अलग से HR राउंड आपका हो रहा है उससे रिलेटेड नहीं है अगर आपके इंटरव्यू के अंदर एक ही सेशन हो रहा है उसमें आपको वो इंट्रोडक्शन HR दोनों पार्ट कवर कर रहा है HR पार्ट क्या होता है कि व्हाई यू वांट टू जॉइन इंफोसिस फॉर एग्जांपल फॉर व्हाई आर यू नॉट लुकिंग फॉर द हायर स्टडीज व्हाई डोंट यू वांट टू गो फॉर द एमटेक आपने गेट का एग्जाम दिया यस दिया तो मतलब ऐसे HR रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे HR रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं आपके आपका CGPA तो बहुत अच्छा है या आपने इस बार गेट भी पिछले बार थर्ड ईयर में गेट भी क्वालिफाई किया था तो आप हायर स्टडीज की तरफ क्यों नहीं जाना चाहते अच्छा आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए आ रही है तो आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है कुछ शायद इसके लिए वर्ड भी यूज होता है कि ये कंपनी एक टाइप ऑफ होती है वो कि जो टारगेट पे होती है राइट कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने आपको 5 साल के बाद कहां पे देख रहे हो ये तो होते हैं HR क्वेश्चंस पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ब्लफ करना किसी भी इंटरव्यू के अंदर सबसे बड़ा ब्लंडर है बहुत स्टूडेंट्स मेरे को ये कॉल करके ये बोलते हैं कि सर मैंने बहुत इंटरव्यूज दिया सारे इंटरव्यूज मेरे अच्छे गए लेकिन मेरा एक भी क्रैक नहीं हुआ सर सारे मेरे अच्छे गए थे मैं उसको सिंपल एक ही क्वेश्चन पूछता हूं कि यार ये बता दो किसी ने तेरे को इंटरव्यू के बाद फीडबैक दिया नहीं सर तो जब तक तुम्हें कोई फीडबैक नहीं ना देगा इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगी फीडबैक अगर आप कोई इंटरव्यू लगाते हैं मॉक इंटरव्यू लगाते हैं उसके एंड में जो इंपॉर्टेंट चीज होता है क्वेश्चन पूछना नहीं है वो फीडबैक है और फीडबैक दो तरीके का होता है एक जो तुम्हारा नॉलेज पार्ट पे कि जो तुमने आंसर किया वो सही किया है गलत किया दूसरा पर्सनैलिटी पार्ट पे कि जैसे आपको मान लो सपोज किसी क्वेश्चन का आंसर का नहीं पता आप उसको गेस करना चाहते हो राइट तो आप उसको पूछो इंटरव्यूअर को सर आई एम नॉट क्लियरली अवेयर अबाउट दिस थिंग बट कैन आई गेस आप उसको पूछोगे अगर आप गलत भी बोल दोगे ना तब भी कोई इश्यू नहीं आएगा लेकिन आप अगर डायरेक्टली स्ट्रेट में गलत बोल दोगे तो उसका एक इंप्रेशन गलत चला जाएगा तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इंटरव्यू में 10-15 मिनट की बात होती है वो जो आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन डिसाइड कर देता है और ओवरऑल जो इंटरव्यू के अंदर वो जो चेक करता है ना वो तुम्हारा पर्सनैलिटी चेक करता है कि तुम किस टाइप के पर्सन हो क्या तुम्हारा जो पर्सनैलिटी है इस जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो उसके लिए वो सुटेबल है या नहीं है वो सिर्फ यही चेक करता है आपके इंटरव्यू के अंदर राइट एनी अदर क्वेरी अच्छा वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़ हम लोग चंडीगढ़ बेस्ड हैं बाकी अगर आपको कोई भी फ्यूचर में कोई क्वेरी होता है आप लोग हमें मिल भी सकते हैं हम लोग 34 बेस्ड है यहाँ पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं ये कॉन्टेक्ट नंबर मेरा ही है किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे चाहे यूट्यूब पे चाहे आप वेबसाइट्स पे किसी भी वीडियो में देयर यू विल फाइंड माई कॉन्टेक्ट नंबर ओनली आप पर्सनली मिलना चाहते हैं या फोन पे डिस्कशन करना चाहते हैं वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज राइट एनी अदर क्वेरी इन द एंड राइट चलो थैंक यू यार ऑल द बेस्ट और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके